नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। जिस तरह की सभी जानते हैं कि 5 दिसंबर को खतौली में विधानसभा का उपचुनाव होना है, इसलिए हम लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। इस समय मौजूद हैं भैंसी गांव में, जो खतौली विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, और यहाँ हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है इनका चुनावी मूड। क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद। क्या काम करते हो आप? पेंट पॉलिस का काम करता हूँ। ये जो अब चुनाव आ रहा है, इसे किस तरह से देखते हो? खतौली का जो राजनीतिक माहौल है वो क्या है? हमें देखना ही नहीं कुछ भी। पहले तो हमें अपना यहाँ का मसला देखना, जो हम घर डूबन लग रहे हैं हमारे यहाँ के। किसे किसे देंगे वोट? वोट किसे दें? वोट जो मांगने आ रहा है वो वोट मांगता होगा। जो यहाँ वोट मांगने आएगा पहले हमारी समस्या का समाधान करेगा यहाँ से, जब उसके बाद वोट देंगे। जो यहाँ समाधान करेगा वो वोट लेगा। यानी पहले समाधान और फिर मतदान, ये यहाँ का अभी इनसे बात हुई, इन्होंने बताया। 10 महीने हो गए हमें इस समस्या से जूझते हुए। 10 महीने, 10 महीने से आज तक कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सारे अधिकारियों को बुला लिया, सब कुछ आ गए यहाँ से। कोई भी यहाँ सुनवाई आवेंगे, देख के चले जाएंगे बस, और कुछ नहीं हो रहा। नहीं देखिए, तो वाकई में जो ज़मीनी हकीकत है यहाँ की, वो काफ़ी, क्योंकि गली भी बहुत ख़राब है, रोड बिल्कुल चलने लायक है ही नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफ्तार है। क्या करते हो आप? मैं दुकान करता हूँ। ये जो अब चुनाव आ रहा है, इसे किस तरह से देखते हो? किसी को कोई वोट नहीं देनी है फिलहाल, जब तक हमारा समाधान नहीं हो पाने का। हमारे घर सब डूब गए हैं, हर चीज़ से परेशान है। रास्ते से हम परेशान हैं, लेटरिन बाथरूम से हम परेशान हैं, अपने घर से परेशान हैं। घर में जाने के लिए गेट छोटे हो गए, बढ़ नहीं पा रहे हो घर में, क्या करें बताइए। वोट मांगने आते हैं या नेता? वोट मांगने आते हैं, लेकिन देख इसको, जो समस्या का समाधान करेगा उसको वोट मिलेगी। तो जैसे नेता लोग वोट मांगने आते हैं, आप उनको बताते नहीं है इस समस्या के बारे में? कोई समझा नहीं, सब सुन के और चले जाते हैं वापसी। सुनते हैं और चले जाते हैं, समाधान कुछ नहीं कर पा रहा कोई भी। जो स्थानीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक यहाँ रहे थे विक्रम सिंह सैनी बीजेपी से, उनके दौरान यहाँ कोई काम नहीं हुआ जी। बता रहे हैं 10 महीने से करीब ये ऐसे ही चल रहा है, आते हैं सब देख के चले जाते हैं, कोई समाधान, कोई काम जमीनी स्तर पे यहाँ देखने को मिला नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और रोड, यहाँ का जो मेन जो यहाँ का विषय है वो है रोड। रोड और गलियाँ इतनी खराब हैं कि आप चलेंगे तो आपको लगेगा आप कहाँ उबड़ खाबड़ उसमें चल रहे हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? नाम तो मेरा साबिर है जी। अच्छा, ये जो अब चुनाव आ रहा है, इसे किस तरह से देख रहे हो? ये रोड यहाँ बन नहीं रही है, नेता लोग आके वोट मांगते हैं, क्या कहोगे नेताओं को? मेरी तो आपकी मर्जी है जी, हम क्या कह सकते, हम तो पढ़े लिखे अब है नहीं ऐसे, हम तो यहाँ परेशान हैं, सब जितने भी आदमी हैं सब परेशान हैं, घरों से भी, बेटी बेटाओं से भी, हर चीज़ से परेशान हैं। तो नहीं, जब नेता वोट मांगने आएंगे तो उन्हें आप रोड दिखाओगे? जब आओगे तो इस रोड पर नेता आते ही नहीं है। नहीं, जब आओगे तो दिखाओगे भी, और जब करते तो नहीं कुछ। नेता कहाँ से मुड़ जाते हैं? यहीं से मुड़ जाए हमारी गली। इस रोड पर नहीं आते हैं? नहीं, कोई नहीं। क्यों? क्या पता कौन नहीं आती। क्या नाम है आपका? संचिता। इस रोड पर नेता इसलिए नहीं आते क्योंकि ये रोड चलने लायक नहीं है, लेकिन वोटर्स जो इस रोड पर रोज गुजरते हैं उनसे वोट मांगने के लिए नहीं आते? वोट इतने के वोट किसी को भी। पानी भर रहा था, गारा हो रही थी, इतना पानी भर रहा था, गोड्डे। ये क्यों हो रही है समस्या? रोड बन रही है नहीं बन रही? हाँ, बता रहे। कितने महीने हो गए? दस महीने हो गए पूरे। 10 महीने, 10 महीने से किसी ने कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनता। गांव का प्रधान, जिला पंचायत की तरफ से कोई? प्रधान भी महीने हो गए यहाँ से, जो आकर भी देखता हो कोई नहीं देखता यहाँ से प्रधान उर्दान आकर। प्रधान की तरफ से यहाँ पे काफी उदासीनता लोगों में देखने को मिल रही है। क्या क्या नाम है आपका? सबको हमारा क्या नहीं हुई है भैया, जब कोई नहीं करवा तो कहाँ से करोगे? तो अब जो वोट 5 तारीख को होना है विधानसभा उपचुनाव, आपको अपना विधायक चुनना है, वोट करोगे? वोट जब सब देगा वही हम देगा, नहीं हम नहीं देने के। किसकी फिजा है खतौली में? सबकी, जो सब क्या रहेगा, बीजेपी या गठबंधन? हम क्या जानते, किसी को किसी को नहीं जानते। गरीब आदमी क्या देखेंगे, अपना रास्ता देखेंगे। लेकिन गरीब आदमी तो है, लेकिन नेता गरीबों के बीच में इस समय तो कम से कम रहता ही। वोट ले जाओ और चले जाओ, उनको वोट दे दो। अब जो हमें अर्जी क्या कहें, बस फिर आके देखते भी नहीं यहाँ से, यहाँ वाले गोरे में धस रहे या गोबर में धस रहे या कुओं में धस रहे, आके देखा यहाँ से कोई पुलिस जी है? बात ऐसी है, यहाँ है एक हड़ का गाँव, जनता जो है गरीब आदमी है, यहाँ सब मजदूर पार्टी है, यहाँ मजदूरों का वोट भी तो सरकार को चाहिए। हाँ, सरकार तो मांग देख के चले जाए, हमने उल्टे आना है, देख के चले जाए, समाधान को चलिए।
अच्छा, यहाँ जो नेता आ रहे हैं गठबंधन की तरफ से भी यहाँ कोई आया होगा, उन्होंने इसका कोई आश्वासन नहीं दिया कि अगर विधायक का चुनाव जीतते हैं तो इस पर ठीक किया जाएगा? यहाँ कुछ नहीं करते भाई, कुछ भी यहाँ कुछ नहीं कर रहे। वोट मांगने आवे, अधिकारी आवे, देखना आवे, चले जाओ अपना। ये एक महीना हो गया नाली बनाई है। तो अधिकारी आते हैं, देखते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कार्यवाही कोई नहीं करते। वोट करोगे चुनाव में? हाँ, वोट करेंगे चुनाव में। किसको वोट करोगे? वोट उसको करेंगे जो हमारा रिश्ते का समाधान करे। कौन कौन करेगा समाधान? जो भी करेगा, कोई करो इसमें। जो समाधान करेगा उसी को मतदान किया जाएगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पर लोग। और चूंकि ये काफी संकरी गलियां हैं यहाँ पर, लेकिन वोट के लिए संकरी गलियां हैं। ऐसी गलियों में आप देखें चलने की व्यवस्था बिल्कुल ही बहुत ही खराब है। आपका क्या नाम है बताइए ना। देखिए, जब जागरूकता लोगों में नहीं होगी तो इसी तरह की कंडीशन फिर ज्यादातर देखने को मिलती है। और भैंसी से हलचल इंडिया के लिए मुजम्मिल अहमद के साथ अंश शर्मा।